एससीओ की बैठक में जयशंकर ने उड़ा दी पाकिस्तान के नौसिखिए विदेश मंत्री की धज्जियां। जयशंकर की विदेश नीति के आगे नतमस्तक दुनिया। एससीओ की बैठक में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। चीन के रॉकेट हमले से बाल बाल बचा भारत। चीन की लापरवाही से भारत में जा सकती थी सैकड़ों जाने। दोस्तों, भारत की विदेश नीति वर्तमान में किस स्तर पर चल रही है, उसका साफ परिणाम हमें संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की उज्बेकिस्तान में हुई बैठक में देखने को मिला। इस मीटिंग के दौरान पाकिस्तान के नौसिखिए विदेश मंत्री का पाला भारत की विदेश नीति के माहिर खिलाड़ी जयशंकर से पड़ गया। इसके बाद जयशंकर ने बिलावल भुट्टो की ऐसी क्लास लगाई कि पूरा पाकिस्तान हैरत अंगेज हो गया। इसके अलावा भी दोस्तों, भारत ने इस मीटिंग के अंदर बड़ी कूटनीतिक जीत दर्ज की है, जिसका परिणाम बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ऐसे में आपके मन में यह सवाल उठा होगा कि एससीओ की बैठक में आखिर ऐसा क्या क्या हुआ है और भारत ने यहाँ पर कौन कौन से एडवांटेज प्राप्त किए हैं और क्या कहा भारत ने इस मीटिंग के अंदर। इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इसके साथ ही दोस्तों, चीन की नापाक हरकत एक बार फिर से देखने को मिली है, जिसका खामियाजा भारत बाल बाल उठाते बच गया। जी हाँ, चीन ने एक ऐसा कांड किया है जिसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है, तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे। चीन के उस रॉकेट हमले के बारे में आपको बताएंगे जिसकी वजह से चारों तरफ उसकी निंदा की जा रही है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दरअसल दोस्तों, हाल ही में उज्बेकिस्तान में आयोजित संघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत और पाकिस्तान के बीच की दूरियां एकदम साफ साफ देखने को मिली। इस मंच पर भारत ने पाकिस्तानी हुक्मरानों का सामना उस सच से कराया जिसको वो जानकर अनजान बने रहते हैं। इस मंच पर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर चर्चा हुई तो भारत ने एशिया और यूरोप के बीच संपर्क के लिए चाबहार बंदरगाह के इस्तेमाल पर जोर दिया। वहीं पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो चीन के शीपेक का जिक्र करके बीजिंग की वकालत करने लगे। इसके बाद भारत का इस मीटिंग के अंदर प्रतिनिधित्व कर रहे विदेश मंत्री जयशंकर ने पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया कि वो हैरान रह गए। गौरतलब है कि दोस्तों, भारत आजादी के समय से ही गुलाम कश्मीर और आसपास के उन हिस्सों को अपना अभिन्न अंग मानता है जिन पर चीन और पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, और आपको मालूम है कि भारत की ओर से इस मीटिंग के अंदर जयशंकर हिस्सा ले रहे थे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की गिनती सियासत में आने से पहले दुनिया के काबिल विदेश विभाग के अधिकारियों में होती थी, इसलिए जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने उन्हें विदेश मंत्री के पद की जिम्मेदारी सौंपी थी, तभी यह साफ हो गया था कि नया भारत अपनी जमीन के हर उस इंच को वापिस लेगा जिस पर एक जमाने पहले दुश्मन ने धोखे से कब्जा कर लिया था। चीन पाकिस्तान का आर्थिक गलियारा भारत के इस हिस्से से गुजरता है, इसलिए भारत हमेशा से चीन और पाकिस्तान के शीपेक प्रोजेक्ट का हमेशा कड़ा विरोध करता आया है। ऐसे में जब एससीओ के मंच से पाकिस्तान की तरफ से नए नवेले विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने शीपेक की बात की, तो जयशंकर ने भारत द्वारा ईरान के जिस चाबहार बंदरगाह को विकसित किया है उसके फायदे गिनाते हुए भुट्टो की बोलती बंद कर दी और बड़े जबरदस्त तरीके से भारत के हितों का ध्यान रखते हुए अपना पक्ष रखा। इकोनॉमिक्स टाइम में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा, कोरोना संकट और यूक्रेन संघर्ष के कारण दुनिया को ऊर्जा और खाद्य संकट का सामना करना पड़ रहा है, इसका तुरंत समाधान होना चाहिए। इतना ही नहीं, जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की मौजूदगी में आतंकवाद को लेकर भी जमकर खरी खोटी सुनाई। जयशंकर ने सदस्य देशों का आह्वान करते हुए कहा कि आतंकवाद के सभी रूपों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। गौरतलब है कि पाकिस्तान दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा मददगार है। ऐसे में दोस्तों, सीपेक को लेकर भारत ने पाकिस्तान को साफ साफ कह दिया कि वो हमारी जमीन पर काम करना बंद कर दे, अन्यथा एक दिन अंजाम बुरा होने वाला है।
एससीओ में विदेश मंत्रियों की बैठक में जयशंकर ने ईरान के चाबहार बंदरगाह के इस्तेमाल पर जोर देते हुए अफगान लोगों को कोरोना वायरस वैक्सीन, गेहूं और दवाओं के साथ भारत के समर्थन का जिक्र किया है। वहीं उन्होंने एससीओ में ईरान के प्रवेश का स्वागत करते हुए इस बात पर भी जोर दिया कि सभी एससीओ सदस्य देश चाबहार बंदरगाह का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दूं कि हाल ही में पुतिन के द्वारा INSTC कॉरिडोर को लेकर बहुत बड़ा ऐलान किया गया था, जो कि भारत, ईरान और रूस के मध्य एक बहुत बड़ा व्यापारिक मार्ग है और दोनों देशों के बीच जो जहाज पहले यात्रा 70 दिन करते थे उनका समय अब घटकर 30 से 35 दिन हो जाएगा, जिसकी वजह से भारत का समय भी बचेगा और साथ ही बहुत बड़ा रुपयों का खजाना भी बच जाएगा। दोस्तों, इस बंदरगाह को लेकर भारत की रणनीति अब स्पष्ट है और रूस को लेकर भी भारत का अब स्पष्ट रवैया है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताइएगा। चलिए, यह तो थी पहली खबर, अब आइए दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं। दोस्तों, ड्रैगन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन की इस हरकत से बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती थी, लेकिन गनीमत रही कि उसका रॉकेट जमीन के किसी आबादी वाले हिस्से में नहीं बल्कि महासागर में गिरा। इस कारण जान माल का नुकसान नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि चीन ने लॉन्ग मार्च 5V रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा था, उसी का मलबा वापस पृथ्वी पर आकर गिरा है। दरअसल शनिवार को भारत के दक्षिण की ओर स्थित हिंद महासागर में चीनी रॉकेट गिरा। नासा का कहना है कि चीन ने इस रॉकेट से जुड़ी जानकारी मुहैया नहीं कराई थी कि यह पृथ्वी पर कहां पर गिर सकता है। और दोस्तों, चीन ने बहुत बड़ी लापरवाही खेली थी जिसका खामियाजा सैकड़ों लोगों की जान हो सकती थी। दरअसल दोस्तों, ABC न्यूज में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार US स्पेस कमांड ने कहा कि लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा प्रवेश किया और हिंद महासागर में आकर गिरा। कमांड ने चीनी रॉकेट के मलबे के पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश और इसके मलबे के फैलने की संभावना पर सवाल उठाए हैं। साथ ही दोस्तों, बता दें कि सोशल मीडिया पर चीनी रॉकेट के मलबे के पृथ्वी की ओर आने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक यूजर ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि कूचिंग में उल्का को देखा गया। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन ने कहा कि स्पेस से जुड़ी गतिविधियां करने वाले सभी देशों को पहले से स्थापित सर्वश्रेष्ठ तरीकों का अनुसरण करना चाहिए और कभी कुछ ऐसा हो तो उसके बारे में जानकारी साझा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा करना अंतरिक्ष के जिम्मेदारी से इस्तेमाल और पृथ्वी के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि चीन के इस रॉकेट का वजन लगभग 22.5 टन था, जिसको अनियंत्रित होकर पृथ्वी पर लौटने की अनुमति देना चीन के लिए किसी लापरवाही से कम नहीं था और चीन का टारगेट दोस्तों भंग हो गया। हालांकि चीन की इस लापरवाही की सजा बहुत बड़ी हो सकती है। आपका क्या कहना है इस खबर पर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।